Welcome students in our today's online English class. Today we will study an important topic of English grammar, that is omission of articles. A question always comes from this topic in your exam. So omit means to remove. In one of our video we have studied where to place article. Today we will study where to remove articles. So there are some rules with their examples we will study today. So first rule is no article used before proper noun. Proper noun जहाँ कहीं पर भी होगा उससे पहले अगर कहीं article लगाया तो we will remove it. Example देखिए, Delhi is the capital of India. यहाँ पर अगर हम the का use हुआ है, the Delhi is the capital of India, तो it is wrong. Delhi proper noun है और यहाँ पर India भी proper noun है, तो इनसे पहले हम article का use नहीं करते हैं. But capital हमारा proper noun नहीं है, ये common noun है, तो इससे पहले हम the का use करेंगे. Next rule, no article used before abstract and material noun. But when there is a preposition after a material or abstract noun, definite article the is used before them. Generally, according to rule, abstract and material noun के पहले हम article का use नहीं करते हैं. लेकिन अगर इन दोनों ही nouns के साथ, पहले वो abstract noun हो या material noun, इनके बाद किसी preposition का use हुआ है तो हम definite article the का use करते हैं. Look at the examples. First example है, gold is a precious metal. Suppose आपको question में the gold is a precious metal लिखा हुआ आता है, तो यहाँ से आप इसे remove कर देंगे, ये wrong है. Gold is a precious metal होगा, okay? क्योंकि according to rule, abstract और material noun से पहले हम the नहीं लगाते. Next example देखिए, the honesty of my friend is well known to all. यहाँ पे honesty हमारा abstract noun है, लेकिन उससे पहले the का use हुआ है, because honesty के बाद of preposition आया है, that's why it is correct. Next rule, no article should be used before the name of languages. The is used before the name of languages when language word written in the sentence. So here, हम किसी भी भाषा के नाम से पहले या उसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लेकिन अगर भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड उससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है, तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे. लुक एट द एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश. अगर यहाँ पे द का यूज़ हुआ है या अ का यूज़ हुआ है तो बोथ आर रॉन्ग. आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर द का यूज़ करेक्ट है क्योंकि इसके बाद लैंग्वेज वर्ड का यूज़ हुआ है, ओके? अगर यहाँ पर हम द इंग्लिश लगाते हैं तो द इंग्लिश का मतलब होता है ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा. लैंग्वेज जबकि कॉमन नाउन है, तो जब हम इंग्लिश के बाद लैंग्वेज लगाते हैं तो ये पूरा वर्ड कॉमन नाउन बन जाता है. लेकिन अगर हम सिर्फ लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश के साथ हम द का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है. द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लोग, ओके? सो दिस यूज इज करेक्ट एंड द यूज ऑफ द विथ ओनली इंग्लिश is wrong. Next rule, no article should be used before the names of seasons or names of festivals. But the article used with them, festival word or season word written in the sentence. Same here, hum seasons ke name se pehle aur festivals ke name se pehle the ka use nahi karte hain. लेकिन द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है जब
किसी फेस्टिवल के नेम के बाद फेस्टिवल लिखा हो और किसी सीजन के नेम के बाद सीजन लिखा हो। एग्जाम्पल्स आर देयर। होली इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ओके, यहाँ पे होली के बाद होली का यूज़ एज अ प्रॉपर नाउन हुआ है, तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर देखिए द होली फेस्टिवल, यहाँ पे द होली फेस्टिवल, फेस्टिवल वर्ड लग जाने से ये बन गया है हमारा कॉमन नाउन। इसलिए कॉमन नाउन से पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। ऑल राइट, दूसरा एग्जांपल देखिए, द समर। द समर मींस, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ रॉन्ग है क्योंकि समर के साथ हम द समर नहीं कहेंगे। लेकिन जब, क्योंकि ये समर प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे द समर सीज़न, ये कॉमन नाउन बन गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, चर्च, कॉलेज, बेड, प्रिजन, जेल, मार्केट, टेंपल, हॉस्पिटल, मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पस द आर्टिकल कैन बी यूज्ड। सो विद ऑल दीज वर्ड्स, स्कूल, चर्च, कॉलेज, बेड, प्रिजन, जेल, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी, इन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कब? जब इनका यूज़ हम प्राइमरी पर्पज़ के लिए कर रहे हों। सपोज़ स्कूल का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? आप स्कूल क्यों जाते हैं? एजुकेशन लेने के लिए। चर्च क्यों जाते हैं? प्रेयर ऑफर करने के लिए। कॉलेज फॉर एजुकेशन, बेड टू स्लीप, प्रिजन और जेल, दीज प्लेसेस आर फॉर मेकिंग पीपल इम्प्रिजेंड। मार्केट फॉर शॉपिंग, टेम्पल टू ऑफर प्रेयर एंड एज अदर आर ऑल्सो यूज्ड। सो जब इनका यूज़ हम इनके प्राइमरी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इन प्लेसों को विजिट हम इनके प्राइमरी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस मीन्स अगर हम किसी स्कूल में मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, सपोज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू मीट प्रिंसिपल, देन आर्टिकल इज़ यूज्ड। चर्च में अगर हम किसी चर्च को सिर्फ वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल में हम क्या करने जाते हैं? ताजमहल प्रॉपर ना होने, बट द ताजमहल लिखते हैं क्योंकि ताजमहल को हम विजिट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हम प्रेयर नहीं कर सकते मॉस्क होने के बाद भी, ठीक है? तो जब हम सेकेंडरी पर्पस के लिए किसी प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जांपल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ होगा, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ये द आर्टिकल का यूज़ रॉन्ग है क्योंकि मैं हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जा रहा हूँ और हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज़ है टू ट्रीट। ओके, फॉर ट्रीटमेंट वी गो टू हॉस्पिटल। लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड। यहाँ पे द का यूज़ करेक्ट है क्योंकि हम हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे दिस इज़ द सेकेंडरी पर्पस। अगर खुद का चेकअप कराने जा रहे हैं तो प्राइमरी पर्पस, अगर अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो सेकेंडरी पर्पस। ओके, नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक मदर, फादर, अंकल, आंट एट्सेट्रा, मैन, वूमेन, life, death, sciences, nature, love, meal, dinner, breakfast, lunch, names of games, when these words are used in normal sense। हम इन सारे words के साथ भी article का use नहीं करते जब उनका use normal sense में किया जाए। When these words are used in particular sense, the article is used। जब इनका
जब इन वर्ड्स का यूज़ किसी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए किया जाता है तो यहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ ग्रेट. एवरी वन नो दिस फैक्ट कि लव इज़ ग्रेट. बट इफ़ वी स्पेसिफाई लव, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा. अब यहाँ पे लव क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया, राधा और कृष्णा के बीच जो लव है दैट इज इमोर्टल. तब यहाँ पे द का यूज करेक्ट है. ओके, सेम वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. डेथ, अ स्टेटमेंट आई मेक फ्रॉम इट. डेथ कीप्स नो कैलेंडर. एवरीवन नोज दिस कि मृत्यु के पास कोई समय नहीं आता. दिन कोई मृत्यु दिन देखकर, समय देख के, कैलेंडर देखकर नहीं आती है. बट आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव. यहाँ पे डेथ क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि अपने प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी. तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वेन दे आर यूज इन अ वाइड सेंस. एग्जाम्पल्स देखिए, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट. यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन. ओके, तो वर्ल्ड के कितने ही भी बच्चे हों, दे ऑल लाइक चॉकलेट्स. तो दिस इज अ जनरल फैक्ट. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड. बट इस स्टेटमेंट में देखिए, द चिल्ड्रन यानी यहाँ पे बच्चे स्पेसिफाई हो गए कि कुछ बच्चे हैं जो शैतान होंगे, वही बेड के ऊपर खेलेंगे. क्योंकि बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू स्लीप. अब बेड को अगर खेलने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चे भी तो शैतान होंगे. सो दीज आर द स्पेसिफिक चिल्ड्रन, सो दैट वी यूज द बिफोर इट. नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज आफ्टर पोजेसिव्स लाइक माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर एट्सेट्रा. यानी जो पोजेसिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो अपने नज़दीक होने के अर्थ में चीज़ों को बताते हैं, माई पेन, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इनके बाद हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. सपोज माई अ पेन, दिस इज़ माई अ पेन. यहाँ पे अ का यूज़ रॉन्ग होगा क्योंकि पोजेसिव्स अपने पास होने का अधिकार दिखाते हैं किसी पे. लेकिन अगर हम बीच में ए लगा देंगे तो इट सीम्स दे आर फार फ्रॉम अस. एंड नो आर्टिकल शुड बी यूज आफ्टर ईच, एवरी, इधर, निधर, नो. और ईच, एवरी, इधर, निधर, नो इन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये दो तरीके से यूज़ होते हैं. पहला, एडजेक्टिव्स की तरह जब ये नाउन के साथ आते हैं. ओके, जब ये नाउन के साथ आते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. और जब ये सिंगल यूज होते हैं तो ये प्रोनाउंस का काम करते हैं. ओके, लुक एट द एग्जांपल्स. दिस इज माई अ बुक. अगर यहाँ पे बुक से पहले अ लगाए और यहाँ पे देखिए पोजेसिव है, तो पोजेसिव नज़दीक होने की बात बताता है कि बुक मेरी है यानी मेरे पास है. तो ए का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, दिस इज माई बुक. ये वाला स्टेटमेंट चाहिए हमारा. ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नाउन दैट कम्स आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ. ये सारी वर्ड्स के साथ हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. बट ए और एन आर्टिकल शुड बी यूज्ड व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और सॉरी, वैरायटी ऑफ. ओके, व्हेन दे आर यूज्ड एज इंटरोगेटिव. हम इन सारे वर्ड्स के साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. लेकिन जब टाइप ऑफ वर्ड आया है, सॉर्ट ऑफ वर्ड आया है, या वेराइटी ऑफ, इन तीन वर्ड्स के साथ,
ये तीन वर्ड जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ आते हैं, इंटेरोगेटिव बनते हैं, तो इनके साथ हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. वट काइंड अ ड्रेस डू यू लाइक. यहाँ पे ये वट वर्ड आने से इंटेरोगेटिव बन गया, दैट्स वाई इट इज़ ओके. नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर फ्रेजल वर्ब्स. किसी स्टेटमेंट में जब कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो वहाँ पर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन फैक्ट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, इन डिटेल, इन टाइम, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, ऑन टाइम एंड मैनी मोर. इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे. इन द टाइम नहीं होगा, इन द डिटेल नहीं होगा, इन द फैक्ट नहीं होगा. ओके, दे विल कंसिडर रॉन्ग इफ वी यूज द विद दैट दीज. नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस. हम अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ अनकाउंटेबल नाउन, वेल्थ इज़ अनकाउंटेबल, एडवाइस, सोप. ओके, वी डू नॉट यूज़ द ए एन विद देम. नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, बट वेन दे आर इन प्लूरल द आर्टिकल इज़ यूज. हम कंट्रीज़ के नेम से पहले, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. बट वी यूज़ द वेन द नेम ऑफ द कंट्रीज आर इन प्लूरल. जब कुछ कंट्रीज़ का नाम प्लूरल में होता है तो वहाँ पर द का यूज़ किया जा सकता है. लुक एट दिस, द इंडिया, इट्स रॉन्ग, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है और प्रॉपर नाउन है. बट लुक एट हियर, द फिलीपींस, ई एस, इट मीन्स द कंट्रीज इन, द नेम ऑफ द कंट्री इज प्लूरल. यू एस ए, यू, यू मीन्स यूनाइटेड, और जिन कंट्रीज के नेम के आगे यूनाइटेड वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स दे आर प्लूरल. यू ए ई, यहाँ पर भी यूनाइटेड. ठीक है, तो दीज कंट्रीज आर इन प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज द विद दैम. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप यू हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स.